मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फ्लाइट नंबर PK007 में आपको खुश आमदीद। PK007 अपनी उड़ान के लिए तैयार है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लें, क्योंकि हो सकता है जहाज उड़े। शुक्रिया। Welcome to the most respectable show with your VJ Maham. So let's welcome our two most respectable pilots, Barkat and Azmi. How are you guys doing? हम लोग ही हैं बरकत, हमारे लिए इतनी सारी। How are you? आप कैसे? I'm just too good today. I'm in a very good mood today. क्यों? I don't know, but I'm just in a too good. I'm in a just too good mood. मेरी बरकत वाली लैंग्वेज हो गई। क्या कह रही? ये कह रही है बरकत, तुम अगर चले गए तो तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? नो, मैं सारा अरेंजमेंट करके जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। और अरेंजमेंट जो रह जाएगा वो मैं करूंगा। आई रियली डोंट केयर गाइस, सो आउटस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई आई वन सॉन्ग डेडिकेट यू। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच, बिकॉज़ दिस सॉन्ग इज गोइंग टू योर पर्सनालिटी। आपने पर्सनालिटी का ये द सॉन्ग इज दैट गोरी कसाजन साजन की गोरी जो जी शुरू हो गई लव स्टोरी तरम पम पम वो जा रही है मेरी हीरोइन हीरो का दिल करके चोरी। कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू गाइस। यू गाइस आर एक्चुअली नॉट स्वीट, बट चलो समटाइम्स हो जाता है। एनीवे थैंक यू सो मेरी बरकत, तुम मेरे सपनों में आते हो और मुझे आके छेड़ जाते हो। हां ठीक है, ओके। मैं छेड़ने की नियत से नहीं आता। हां मैं आपको देखने की नियत से आता हूं, बिकॉज़ यू आर सो आउटस्टैंडिंग। हां एंड वी मेरा ख्याल है अब जो हमारे गेस्ट आए हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेबल गेस्ट, इंग्लिश फिनिश हियर। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन ऑफ द वेरी बिग रीजन ऑफ माय बीइंग हैप्पी टुडे एंड बीइंग इन अ वेरी गुड मूड टुडे। सो लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट हु इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल गेस्ट फॉर अस। सो लेट्स वेलकम सर शेख रशीद। सर देखें, हम जहाज छोड़ के आपके नहीं खड़े हुए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बस अड्डे से अभी आती है देखा रास्ते में आपको, जहाज कहाँ से बढ़ाई तैयार है कि आप ड्राइवर हैं, मरवाएंगे मुझे भी, इंश्योरेंस भी। कराची में जितने बस चला ली समझे जहाज भी चला लिया। नहीं नहीं, जहाज है, बस है। अच्छा, वरना बस वाले ड्राइवर कह रहे होते हैं कि हम असल में जहाज ही चला रहे हो। वो जो बस चलाते हैं ना, उनको स्कूटर तो फिर मजा नहीं आता, वो कहता है बड़ी सवारी लाओ भाई। अच्छा सर, यू आर अ मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर अस। ये रिस्पेक्टेबल आपने कहां से निकाल लिया एक दूसरे को रिस्पेक्टेबल? सर बिकॉज़ दे ऑल आर मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन एंड टॉप ऑफ बॉटम योर टॉप ऑफ द लिस्ट योर नेम इज रिटन देयर बिकॉज़ यू आर रियली रियली बाय हार्ट मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर अस एंड वी रियली थैंकफुल टू यू कम हियर एंड जॉइन दिस ट्रांसमिशन बिकॉज़ यू कम इन दिस ट्रांसमिशन द ट्रांसमिशन फील वंडरफुल। ओके थैंक यू। द एनवायरनमेंट इज आउटस्टैंडिंग। तो वन सॉन्ग आई हैव टू डेडिकेट यू, आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग because this song is specially your and your personality. Thank you. ke lal chunariya wali koi ghar mere bilao main tumhara kab tak baithu band mera bajwao are jaise bhi chalta hai chakkar chalao meri shaadi karwao meri shaadi karwao meri shaadi karwao meri shaadi karwao ha ye sir hamare liye bhi tha asal mein hum log bhi aise hi sir your nazar aata hai aapne ko marriage century kholna hai bilao sir you are very cute. Yeah. What's the reason about your cuteness? It's a softness ya boldness? आपके ये खूबसूरती का राज क्या है? हाँ, क्या राज है जिसमें आपकी जिंदगी का साज है, जिसमें ये राज है? देखें, मसला ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये लड़कियों के सामने नहीं पूछा करते। तो लड़की को टर्न करा दें, लाइव शो हो रहा है, लड़की को सर पीछे नहीं, नहीं, सेट के पीछे ये कुछ जगह की भी वो होती है स्पेशलिटी, जैसे असल में होती ही जगह की बात है। आप प्लीज को हेड आस्क कर सर, मेन मसला है जगह का। या मसला ये है वड़ाई तैयारे वाले दूसरे तैयारे में आ गए। एग्जैक्टली, आई एग्री विद सर। और ये एक न्यू खान से आए हैं, एक वड़ाई तैयारे से आया है। बहुत से लोग तो जहाज खुद ही उड़ाते हैं, उन्होंने सीखते नहीं किसी से। दो किस्म के जहाज होते हैं। हां सर, वही वाला बता रहा हूं, वो वाला भी होता है। सर, आई आस्क यू वेरी पर्सनल क्वेश्चन, आई होप यू डोंट माइंड, बिकॉज़ पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, इट्स नॉट अ पर्सनल, इट्स अ पर्सनल, इट्स नॉट अ क्लोज टू योर पर्सनल, इट्स डिस्टेंस ऑफ द पर्सनल। मेरे से अंग्रेजी ने ना इंप्रूव करे साथ वाले से। अच्छा, मुझसे की है इन्होंने, मैं भूल गया सर। इफ यू मैरिड, सपोज इफ यू मैरिड, व्हिच टाइप यू गर्ल टेक इट इन फ्रंट ऑफ यू?
इन योर लाइफ लाइफ एंड योर मैंने पहले ही सही पहचान लिया था आप मैरिज सेंटर के आदमी हैं और कवर यहाँ काम कर रहे हैं मुझे पहले आप फीस बताएं ना शादी करवाने के कितने पैसे लेते हैं सर आप यकीन करें मेरा एक दोस्त उसने चार शादियां की उसकी चारों बीवियां मर गई मुझे कह रहे बरकत बता आप क्या करूं मैंने कहा औरत जात पर रहे तो मैं जाऊं तो कहूं कि मुझे मरने का शौक है अच्छा नहीं कि सर ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारा माशरा एक सूरत में खुश हो सकता है अगर सब औरतें शादीशुदा होती हैं और सारे मर्द कवारे दैट इज ट्रू ये मुश्किल सवाल है नहीं माशरा कैसे सही हो सकता है हाउ द एनवायरनमेंट आर सूटेबल देखें जो फनी खराबी होती है आसानी से दूर नहीं हो सकती सो माशरे को फनी खराबी है इट विल टेक लॉन्ग टाइम अच्छा सर ये फनी खराबी होती क्यों है ये होती इसी तरह की है कि देखे ना मांगे टांगे के कपड़े पहनते हैं लोग एक दूसरे का प्रोग्राम चुराते हैं अंधेरे में धूप की ऐनक लगाते हैं नहीं सर ये तो इस वजह से लगाते हैं आप समझे मैं आपको देख रहा हूँ हालांकि देख इसे रहा हूँ ये तो खैर अब नहीं कह सर इसकी बातों का बुरा नहीं मानिएगा अच्छा टेल मी वन थिंग कि अगर आपको ऐसे इरिटेटिंग लोग मिल जाते हैं तो ऐसी कौन सी कोई एक जगह होती है जहाँ पर आप रिलैक्स करने के लिए जाएं असली जगह वही है उधर ही भेजता है जिधर से ये आए मैं तो सर इतना देखें कराची में बहुत सारे लोगों ने रूप बदला हुआ है इसीलिए तो मैं कराची कम कम आता हूँ I have you very two and three question. This is a buzzer round. This is not a buzzer, but your mind is buzzer. You give me answer very quickly, very fastly, and very smoothly because you are a most respectable person. Sir, ask you one question. Sir, ये बताइए कि सियासतदानों के लिए एक पहेली है. कौन हूँ मैं जो सबको भाए हर कोई मेरे पीछे आए कौन हूँ मैं सबको भाए हर कोई मेरे पीछे आए मैं ये कोई एंकर ही हो सकती कुर्सी अच्छा सर ये बताइए दुनिया की वो कौन सी मखलूक है जो इंसानी ज़बान में बात करती है पर उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती Who is that guy? ये मुझे समझ आया लेकिन मैं सर किसी का नाम नहीं लेना चाहता सर, तो, इसको काने बता ये ओपन सीक्रेट है सर बच्चे को काने बता नहीं नहीं मेरे वो दोस्त है मैं उनका नाम अच्छा अच्छा वो यहाँ मौजूद नहीं है बुरी बात है किसी की बीमारी का मजाक नहीं नहीं मैं भी मजाक नहीं उड़ा रहा ऐसी बात कर रहा था मैं सही मैं तो अपनी खुद बात कर रहा था अच्छा सर ये बताइए दुनिया की सबसे एक बताइए दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है प्लीज जो आप कर रहे हैं नहीं जो काम ना आता हो आदमी करे तो मुश्किल ही होता सर आप मेरा जवाब गोल कर बताइए दुनिया का सबसे मुश्किल काम सर ये तो ऐसा है कि हम पाकिस्तान में बैठे लेकिन जब बस ड्राइवर जब न्यू खान का ड्राइवर जहाज चलाएगा तो ये बड़ा मुश्किल काम नहीं सर हेलमेट पहन के रोमांस करना अच्छा मुश्किल काम नहीं है सर ये आप अपने सारे तजर्बे जो आपको मुश्किल दिखाई देते हैं सर वैसे मुश्किल नहीं अगर हेलमेट में आगे का शीशा ना हो सर आपको सिंगिंग वगैरह का शौक है गाने वाने किसी जमाने में बाथरूम में गाया करता था अब तो तो सर बाथरूम काफी बड़ा था इसमें लोग आ जाते थे बाथरूम पुराने वक्तों में बड़े ही होते थे अब नए छोटे हैं अच्छा पुराना वक्त बड़े होते अच्छा पुराने वक्त में कहते थे बाल्टी में चांद भी नजर आता था नहीं बाल्टियां शल्टियां होती थी एक दो पड़ी होती और हैंड पंप होता था हैंड पंप तो सेन में होता था ना आप वो बस वाले ड्राइवर है ना फिर आप सर बस में हैंड पंप कहां से आ गया बस नहीं वो ड्राइवर अपना रखता है अलग से बस में सारी चीजें होती है अगर बस में हो हाँ आप और बस में ना हो हैं ही आप बस में ऐसे कह रहे हैं मुझे बताएं आप गाने वगैरह सुनते हैं कैसे गाने सुनते हैं आजकल के फेवरेट सिंगर आपके कौन से किसी जमाने में तो लाइव सुना करता था हाँ ओके जब उम्र लाइव सुनने का मजा ही अलग था सर लेकिन डर होता था वहां कुछ पढ़ ना जाए छापे वगैरह नहीं नहीं मेरी बारी में पड़ गया मैं बाजे वाले बड़े लोगों के घरों में नहीं पड़ते छापे ये बेचारे गरीब गुरबा के छापे होते हैं वाह वाह सर वही समझ रहे हो मां ये आप जैसे लोगों के लिए छापे वापे एहतियात बरता करें आप मैं आपको वैसे नहीं कहते जा रहा कल परसों 10-15 दिन में आप दोनों की तस्वीर आ सकती है किसी जगह पाएगा सर वो आ गई है कराची में लगे मैं बोर्ड आपके ना हाँ इसी शो के सही है इस शो के लगे ये मरवाएंगे आपको सारे में सर म्यूजिक किस तरह का पसंद है हाउ डू यू लाइक समझ गए ना सर आप म्यूजिक वही पसंद है जो समझ आता हो इस मुल्क में ज्यादातर म्यूजिक लोगों को वो पसंद आता है जो समझ नहीं आता अच्छा तो पुराने गाने थका हुआ ना ऑफ कोर्स आई लव ओल्ड सॉन्ग क्या बात है मेहदी हसन फतेह अली खान साहब और मकेश किशोर सर उनका कोई ऐसा गाना जो आप गुनगुनाते हो जैसे आपने कहा कि मैं बाथरूम सर आप पे गाना बड़ा सूट करता है आपका यूर पर्सनैलिटी इन यूर यू जिस टाइप ऑफ एटीट्यूड मैं अपनी अकल में बात करता हूँ मैं ये तो नहीं कि आप मुझे हर एक को बेवकूफ बना सकते नहीं कसम सर मैं इतना सादा नहीं हूँ मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ अभी लाइव चल रहा है सर एक गाना है आपको डेडिकेट करता हूँ कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है
इस तरह के गाने अच्छे लगते हैं सर आपको? प्यार व्यार दिल और ये सारी बातें मेरा मतलब है, ये पुरानी स्टोरियां होगी, ये कंप्यूटर के टाइम ये नहीं चलता, ये रजिया भट्ट का नावल जो है। तो आपको मुन्नी बदनामी सुना दूं मैं? मुन्नी आप पे तो वही फिट आता वैसे, और बदनामी भी फिट आती है इनको। नहीं बदनामी दिल और दुकान में बड़ा फर्क है, आपने तो दुकान लगाई हुई है दिल के नाम पे। बस सर ये दुकान चलती रहे सर, अल्लाह करे। आप मुझे आई एम श्योर आप बचपन में भी ऐसे थे। मैं इससे अच्छा था। क्या आप समझ गई? मैं कोशिश कर रही हूँ, वो कोई बात नहीं, मैं समझने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर आप एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, सो वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।